प्रदेश में महिला अनाचार का मामला विधानसभा में गूंजा, विपक्षी सदस्यों ने शून्यकाल में मामला उठाते हुए सरकार को घेरा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। प्रदेश में पुलिस कर्मियों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए पुलिस विभाग ने नई सुबह कार्यक्रम की शुरुआत की। और थल सेना भर्ती रैली का आयोजन 3 से 12 मार्च तक दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में महिला अनाचार और दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्य विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने आज विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने की मांग की। शून्यकाल के दौरान भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने कहा कि प्रदेश में दुष्कर्म के मामले बढ़ गए हैं और प्रदेश की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने इस विषय पर चर्चा कराने का आग्रह किया। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर, ब्रजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल और रंजना साहू ने भी प्रदेश में दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर अमन सिंह ने कहा कि ये गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होगी तो कई तथ्य सामने आएंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि दुष्कर्म की लगातार घटनाएं प्रदेश के लिए भयावह स्थिति है। बाद में स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया गया। विधानसभा में आज शराब के मुद्दे को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। इस मामले में विपक्ष ने आबकारी मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया। भाजपा सदस्य नारायण चंदेल ने यह मामला उठाते हुए शराब से हुई बिक्री की राशि प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से जमा कराने को लेकर सवाल पूछा। जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि महासमुंद में 5.25 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं कराई गई है। ये राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 की है, जो यस बैंक प्रबंधन की लापरवाही की वजह से जमा नहीं कराई जा सकी। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के अन्य सदस्यों ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके बाद सरकार की तरफ से आए जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा सदस्यों ने बहिर्गमन कर दिया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अन्य राज्यों से विभिन्न माध्यमों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों की अब कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए इस संबंध में व्यवस्था करने के निर्देश सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को जारी कर दिए हैं। देश में कोरोना संक्रमण प्रभावित व्यक्तियों की संभावित वृद्धि को देखते हुए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है। रायपुर और जगदलपुर एयरपोर्ट पर विशेष रूप से मुंबई और दिल्ली से आने वाले यात्रियों सहित सभी यात्रियों की निर्धारित एसओपी अनुसार कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली से रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों की भी कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए आवश्यक व्यवस्था रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अंतर्राज्यीय एंट्री पॉइंट पर की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पूर्व में जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। इस बीच दुर्ग जिले के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में भी कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि बड़े शहरों और अन्य राज्यों से जिले में आ रहे यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। अभी जो राज्य सरकार से जो गाइडलाइन आया है, जो बड़े शहर है वहाँ पर राष्ट्रीय मार्गों और राज्य मार्गों में जो बाहर से जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं रेलवे स्टेशन्स में, उनकी जांच की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उसके अनुरूप अभी उसके अनुरूप जांच व्यवस्था प्रारंभ कर दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,11,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 3,04,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में लगभग 3,000 कोरोना मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,809 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दूसरी ओर देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हो गई है। अब तक 1,07,26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक 1,21,65,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। केंद्र सरकार जल्द ही 50 वर्ष से अधिक आयु वाली तीसरी श्रेणी के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने वाली है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के 1.5 महीने गुजर जाने के बावजूद संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि यह टीकाकरण अभियान स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा पहली पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए चलाया जा रहा है। कोरोना टीका अभियान के संबंध में कुछ चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत की। सभी ने कहा कि टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसे सभी लोगों को लगवाना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि टीका लगवाने के बाद उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई है। मैं डॉक्टर रुचि दुबे हूँ, नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कोविड वैक्सीन लगवाया है 5 फरवरी को। इसमें मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। हम मेरे साथ मेरे पूरे स्टाफ ने 15 लोगों ने लगाया। एकाध जिनको मामूली सा बुखार आया, पर बुखार वैक्सीन के बाद आ सकता है, क्योंकि कितनी बार अपन बच्चों को डीपीटी वाला इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें से 100 बच्चों को लगाओ तो 5 बच्चों को बुखार आ जाता है, तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। पर वो आपके शरीर के लिए तो अच्छा है ना, तो कोविड वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। आपको जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है वो गलत फैलाई जा रही है, और सरकार तो इतना अच्छा काम कर रही है। चिकित्सीय क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ साथ जो जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं या जितने भी सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो निश्चिंत हो कि इस वैक्सीन को लगवाएं, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया इस वैक्सीन को लगाने के बाद, तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो भ्रांति के रूप में समाज में फैला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप निश्चिंत हो कि वैक्सीन लगवा सकते हैं, और कोरोना को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय है। इसने मेरा सभी से अनुरोध है, निश्चिंत हो के निर्भीक होकर वैक्सीनेशन करवाएं। और इस संबंध में डॉक्टर राकेश दुबे ने कहा कि कोरोना टीका सुरक्षित है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि टीके को लेकर किसी भी तरह का भ्रम न फैलाएं और टीका अवश्य लगवाएं। सामान्य सभी घरों के बच्चों को जैसे हम टीका लगा के बड़े हुए हैं और समय समय पर बहुत प्रकार के टीके लगते हैं, बिल्कुल एक सामान्य वैक्सीन की तरह से ही ले और वैसे ही इफेक्टिव रहेगा, मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे उनका नाम शेड्यूल में आता जाता है तो सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं, और सभी लोगों को दूसरे जो सामान्य लोगों को प्रमोट करें कि वैक्सीन को एक्सेप्ट करें, लगवाएं और किसी प्रकार की भ्रांति या उसके बारे में खराब चीजें ना फैलाएं बिल्कुल भी। उल्लेखनीय है कि जिन लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है उन्हें दूसरी खुराक 28 दिनों के भीतर दी जाएगी। प्रदेश में पुलिस कर्मियों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा नई सुबह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें राज्य के ऐसे पुलिस जवानों को बुलाया गया है जो अलग अलग प्रकार के नशे की लत से ग्रसित हैं। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने अमलेश्वर स्थित 3री बटालियन में आयोजित इस व्यसन मुक्ति कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों को विभिन्न व्यसनों से दूर करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस अपने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए यह नई सुबह का कार्यक्रम आयोजित आज से प्रारंभ कर रही है, जिसके तहत हम अपने अधिकारियों कर्मचारियों को सभी व्यसनों से मुक्त करेंगे। उनके लिए हम एक विशेष कोर्स चला रहे हैं और करीब 15 दिन का ये कोर्स है, और विश्वसनीय और मजबूत पुलिस की दिशा में उनके परिवारों को और हमारे जवानों को सभी व्यसनों से मुक्त करके सुखी समृद्ध परिवार की दिशा में बढ़ाने का ये कदम। श्री अवस्थी ने यह भी बताया कि 30 जवानों का बैच बनाकर 15 दिनों का विशेष कैंप आयोजित करके काउंसिलिंग की जाएगी। चरण में 30 लोगों को हमने रखा है और ये लिस्ट, ये पूरे सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को इसमें शामिल करना है। ये शुरुआत की गई है और उनका मेडिकल चेकअप और सबको
जिनमें कोई व्यसन है और नहीं भी है तो भी इस ये जारी रहेगा कार्यक्रम और सबको इसमें धीरे धीरे करके सबको बुलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नई सुबह कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में जवानों को योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक थेरेपी के जरिए नशे की लत से छुटकारा दिलाने की कोशिश की जा रही है। शिविर में डॉक्टरों द्वारा पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने के साथ ही साइकेट्रिस्ट जवानों की काउंसिलिंग कर उनका उपचार भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान और तीव्र बनाया जाए। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने बैंकों को लिखे पत्र में कई सुझाव दिए हैं। देश में स्ट्रीट वेंडर्स को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराने की योजना के विस्तार के लिए ये सुझाव दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि स्ट्रीट वेंडर्स अक्सर अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए ऋण वितरण के लिए उनके सिबिल स्कोर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इस योजना के तहत बैंकों को कम सिबिल स्कोर वाले वेंडरों को भी ऋण देने के लिए अपने दिशा निर्देशों की समीक्षा करनी चाहिए। थल सेना भर्ती रैली का आयोजन आगामी 3 से 12 मार्च तक दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में किया जाएगा। भर्ती रैली की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने पत्रकार वार्ता में बताया कि रैली में 40,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। रैली के बारे में पूछताछ के लिए जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अभ्यर्थियों को उपस्थिति दिनांक की सूचना भेजी जा चुकी है। भारतीय थल सेना हेतु भर्ती की रैली दुर्ग जिले में 3 मार्च से लेकर 12 मार्च तक होगी और इसमें जो अनुमान है लगभग 40,000 अभ्यर्थी इस पूरे भर्ती रैली में सम्मिलित होंगे। इसके लिए एक पूरा शेड्यूल बना है और जो अभ्यर्थी है उनको किस दिन यहाँ पे उपस्थित होना है उसकी सूचना प्रेषित की जा चुकी है। सभी अभ्यर्थियों को उनके निर्धारित दिवस के मध्यरात्रि में यहाँ उपस्थित होना है और उसके पश्चात जो भारतीय इंडियन आर्मी है उनके जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप फिजिकल और मेडिकल का टेस्ट लिया जाएगा और उसके पश्चात परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो अभ्यर्थी है उनका चयन किया जाएगा। जानकारी देते हुए कलेक्टर ने यह भी बताया कि भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों को 48 घंटे पहले का कोविड-19 फ्री एसिम्प्टोमेटिक प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसमें कोविड के बचाव के लिए जो आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन है उसी को ध्यान में रखते हुए जो रैली का समय है उसको बढ़ाया गया है। पूर्व में ये रैली लगभग 5 या 6 दिनों में होती थी जिसको अभी 9 या 10 दिनों का रखा गया है। दूसरा चीज, इसमें सभी बच्चों के से एसिम्प्टोमेटिक होने का सर्टिफिकेट लिया जा रहा है जो मेडिकल ऑफिसर द्वारा दिया जाएगा। और जानकारी देते हुए आप लोगों को बता दें कि थल सेना भर्ती रैली के बारे में विस्तृत जानकारी दुर्ग जिले की अधिकृत वेबसाइट लिंक durg.gov.in पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में महिला अनाचार का मामला विधानसभा में गूंजा, विपक्षी सदस्यों ने शून्यकाल में मामला उठाते हुए सरकार को घेरा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। प्रदेश में पुलिसकर्मियों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए पुलिस विभाग ने नई सुबह कार्यक्रम की शुरुआत की। और थल सेना भर्ती रैली का आयोजन 3 से 12 मार्च तक दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में किया जाएगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।